नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों में सीरीज का अंतिम मुकाबला आज से शुरू हो रहा है। इस मुकाबले को देखते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बता दें कि स्टेडियम पहुंच चुके हैं, और इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही ऑस्ट्रेलियन के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय टेस्ट को लेकर भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों में सीरीज में 2-1 से आगे है। उसमें से नागपुर में पहला टेस्ट पारी, और साथ ही बता दें कि इस दौरान 172 रन से अपने नाम किया गया है, जिसके बाद से दिल्ली टेस्ट को उन्हें 6 विकेट से अपने नाम कर लिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के इंदौर में वापसी की है और उसके तीसरे टेस्ट को 9 विकेट से जीतकर सीरीज में वापसी की है। भारत के लिए चौथा टेस्ट जीतना काफी अहम माना जा रहा है। अगर उसे विश्व टेस्ट बता दें कि चैंपियनशिप में फाइनल पहुंचना है तो ये टेस्ट जीतना काफी अहम होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं। मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक का कल दिल्ली में निधन हो गया है, और बता दें कि बॉलीवुड के शोक की लहर देखने को मिल रही है। सतीश कौशिक अपने दोस्तों के कहने पर होली मनाने के लिए दिल्ली आए हुए थे, और इस दौरान देर रात उन्हें तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी शिकायत की गई थी, और साथ ही बता दें कि इसके बाद से उन्हें फॉसिल अस्पताल में भर्ती कराया गया, और जहां पर उनकी मौत की पुष्टि की गई। उनकी बॉडी को दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया है। कौशिक के दोस्त अनुपम खेर ने बताया है कि सतीश कौशिक किसी से मिलने के लिए गुड़गांव में अपने फार्म हाउस पर गए हुए थे। फार्म हाउस से लौटते वक्त कार में सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद से उन्हें गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल कौशिक के पार्थिव देह जो है दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल की मौजूदगी में रखा हुआ है। कासगंज के जनपद में होली पर्व बता दें कि डीएम हर्षिता माथुर और साथ ही एसपी सौरभ दीक्षित ने भ्रमण करते नजर आए। बता दें कल होली का पर्व था, और इस दौरान ये दोनों खुद ही सड़क पर उतरकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पैदल गश्त करते नजर आए। इस दौरान ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कतापूर्व ड्यूटी करने के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। वही बिजनौर के हल्दौर में होली के दिन दोस्तों ने ही चाकू से गोद कर एक युवक को हत्या के मौत के घाट उतार दिया है, और साथ ही बता दें कि हत्या के बाद से थाने के सामने सड़क पर जाम लग गया, और इस दौरान परिवार वाले का रो रो का बुरा हाल है। एक और जहां सारा बिजनौर होली के पर्व में कल डूबा हुआ नजर आया था, पूरे देश में होली की खुशी देखने को मिल रही थी, वहीं मैं बता दें आपको कि यहां एक तस्वीर सामने आई बिजनौर से, जहां पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की निम्न हत्या कर दी। बता दें कि इस दौरान पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। गुस्साए मृतक के परिजनों ने रोड जाम कर दिया और खूब हंगामा करते नजर आए। वहीं पुलिस ने परिजनों को किसी तरीके से समझा बुझा कर बता दी कि घर भेजा है। एसपी सिटी ने बताया है कि भुड़वाला जामनवाला में होली का रंग खेलते समय कुछ लोगों के आपस में विवाद हो गया था। इस विवाद में ही किसी ने आकाश, जो कि 22 वर्षीय है, उन्हें धारदार वस्तु से घायल कर दिया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आकाश को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया। ये मेरा भाई है आकाश, क्या हुआ है भाई? इसको चाकू मार दिया उसके दोस्तों ने। ये जय किशन कलवा का लोंडा भाई हल्दौर में रहता है। तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 4 अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामजद अभियुक्तों में से एक को हिरासत में लिया गया है। शेष अन्य की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। मैं बता दें कि कल होली के खास मौके पर हर वर्ष की तरह निकाली जा रही होली पर्व पर चौपाई फेरी के दौरान पथराव हुआ है, और इस दौरान महिला सहित कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। वही थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है बदायूं जिले के वीरगंज थाना क्षेत्र के गाँव पुष्पगवा का बताया जा रहा है, जहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चौपाई निकाली जा रही थी, और इसी दौरान किसी ने होली खेल रहे चौपाई पर पथराव कर दिया, जिनमें महिला समेत कई लोग घायल हो गए हैं।
वहीं घायल महिला के पति ने बताया है कि हर वर्ष की भांति होली पर्व पर चौपाई निकाली जा रही थी और इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में किसी ने अचानक से पथराव कर दिया, जिसके कारण महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है और जहाँ पर हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या घटना हुई थी? बीवी चोट कैसे लगी थी? चोट ऐसे लगी, चौपे निकल रही थी, उसमें कुछ लोगों ने पथराव किया था, पुलिस साथ थी, फिर उनके सिर में ज्यादा चोट लगने से हम बजरंग अस्पताल लेके आए थे। उन्होंने जब चोट देखी, उसकी हालत देखी, फिर बलानी रेफर कर दी। ये पहली बार निकली थी चौपाई? हर साल निकलती है, हर वर्ष निकलती है होली के त्योहार। हाँ, हर साल पुलिस साथ रहती, अब भी साथ थी। पथराव पुलिस के मौजूदगी में हुआ था? हाँ, पुलिस थी साथ। कितने लोग घायल हुए उसमें? एक हमारी पत्नी है, 5-7 लोगों के लगी है चोट, दो लोगों खुल गई है। हाँ, आपकी पत्नी बताइए रेफर कर दिया। हाँ, हमारी पत्नी बताइए रेफर कर दिया। वहीं बस्ती नगर के थाना फुटहिया चौराहे पर पुलिस और साथ ही बता दें कि होली के हुड़दंगियों के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीर सामने आई है। दरअसल होली खेल रहे युवकों ने सीओ कलवाड़ी के ड्राइवर मनीष यादव पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा है। भगत सिंह नाम के युवक ने सिपाही मनीष पर लाठी से मारकर सर फोड़ने का भी आरोप लगाया है। बीच चौराहे पर सीओ विनय चौराहे ने बता दें कि विनय चौहान के सामने होली के हुड़दंगियों ने बता दें कि पुलिस के बीच अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज भी की। वहीं सीओ बीच बचाव करने के लिए जुट रहे थे और इस दौरान सीओ के सामने काफी देर तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। होली खेल रहे लोग सीओ के ड्राइवर मनीष पर मारपीट, कपड़े फाड़ने का आरोप लगाते हुए नजर आए, जमकर हंगामा किया गया। सीओ के बीच बचाव के बाद किसी तरह यह मामला शांत हुआ है। वही बिजनौर के चांदपुर में घर में घुसकर एक महिला के गांव के ही दबंगों ने गोली मार दी है। बता दें कि गोली लगने से महिला घायल हो गई है, खून से लथपथ महिला को बता दें कि एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर सीएचसी से महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में नाले को लेकर विवाद चल रहा था। महिला के पति ने गाँव के ही 4 नामजद लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है, पुलिस तहरीर देकर कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर चांदपुर थाना क्षेत्र के कड़ाल गांव में बुधवार सुबह तड़के में एक महिला की गोली मार दी गई। गोली मारने से आरोपी मौके से फरार हो गया। वहां बता दें कि सुबह तड़के ही घटना से गांव में हड़कंप सा मचा हुआ नजर आया। सीओ सहित चांदपुर थाना प्रभारी निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे और फिलहाल आरोपी की तलाश लगातार जारी है। रंग गुलाल और अबीर से एक दूसरे को बता दें कि सरोबोर करने की होड़ में होली की गीतों की मस्ती के साथ ही रंगों का त्यौहार होली जनपद के सहारनपुर में काफी हर्ष और उल्लास के साथ कल मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई देते नजर आए हैं और साथ ही होली के त्यौहार में बच्चों ने भी खूब होली खेली है, साथ ही एक दूसरे पर रंग डालकर खुशी को प्रकट किया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग रंग और गुलाल उड़ाते हुए नजर आए, ये तस्वीर होली की। और बता दें कि कल होली का पर्व था, पूरे देश और देश में इस पर्व को काफ़ी खुशहाली के साथ मनाया गया है और सहारनपुर की ये तस्वीर है, जहां पर होली के पर्व को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह नजर आया। जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोठिया के पास स्थित टांड पुरवा रहमान गंज मार्ग का है, जहां पर बता दें कि रहमान गंज की ओर से आ रही ई रिक्शा में आमने सामने से बाइक ने जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिनमें से बाइक सवार लखनऊ जनपद के जनकपुरम निवासी करीब 26 वर्षीय नितिन कुमार की मौके पर मौत हो गई। वहीं ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद से स्थानीय लोगों में हड़कंप सा मच गया। वहीं इस दौरान इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घंटों देर बाद बता दें कि हल्का दरोगा
अवधेश कुमार त्रिपाठी और साथ ही कांस्टेबल अमित कुमार यादव से समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। काफी देर अव्यवस्थाओं के दौर को कवरेज करने के लिए जब पत्रकारों के कैमरे को देख कांस्टेबल भड़कते हुए भी नजर आए और पत्रकारों से व्यवस्था कराने के लिए कैमरे पर हाथ भी मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं काफी देर के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए यहां से भेजा गया है। सहारनपुर पुलिस ने चोरी के एक गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करोड़ों के चोरी की जेवरात बरामद की गई है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने चोरी की दिशा बता दें कि निशानदेही पर एक सुनारों से 2 किला बता दें कि 46 ग्राम सोने और साथ ही 6 किलो चांदी के साथ जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने बताया है कि डॉक्टर जनक बता दें कि थाना जनकपुरी और साथ ही थाना मंडी पुलिस ने चोरों की कई वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अभी इस गैंग के अन्य मुकदमों की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी एडशान जहांगीर काली और साथ ही निखिल को गिरफ्तार किया है। गैंग का लीडर काली है, जबकि 2 आरोपी हाजी और दिलशाद और साथ ही निखिल फरार है। पुलिस चोर पर बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लगभग 10 चोरी के वारदात को खुलासा किया है। चोरी के बड़े गैंग का खुलासा करते हुए जनपद सहारनपुर के जनकपुरी थाना पुलिस ने ये गैंग पकड़ा है, जिसमें कि कई अपराधी हैं इस गैंग में और इस गैंग की मुखिया एक काली नामक महिला है, जिसके कि 2 बेटे, 2 भाई, बेटी, दामाद और ये स्वयं इस पूरे कार्य में लिप्त है। इसके साथ ही इनका साथ देने वाले 2-3 सराफा हैं, जो कि एक सराफा पकड़े गए हैं और 2 वांछित हैं। इनके अलावा एक और युवक है, इनका साथी निखिल, जो कि पकड़ा गया है। बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र में दबंगों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जहां चाहे किसी को घर में घुसकर लहूलुहान कर देते हैं, तो वही रास्ते में घेर कर महिला पुरुष को लहूलुहान करते हुए नजर आते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है, जहां पर मामूली विवाद में दबंगों ने एक घर में घुसकर एक परिवार को बुरी तरीके से पीटा, लहूलुहान कर दिया। जिले के थाना ललिया क्षेत्र के ग्राम भैयापूर्वम बता दें कि भैयापूर्वा इमलिया के देवलिया में दबंगों ने देर रात एक घर में घुसकर महिला और पुरुष को लहूलुहान किया है। ग्राम भैयापूर्वा निवासी महेश प्रताप बेटे सुरेंद्र बहादुर सिंह के परिजनों को गांव के ही दबंगों अरुण सिंह, मंजीत सिंह, मानवेंद्र सिंह, अकबाल बहादुर सहित बता दें कि पुत्रगण यशवीर सिंह ने पीड़ित महेश प्रताप सिंह के घर रात लगभग 11 बजे लाठी डंडे से लेस होकर पहुंचे हैं और दीवार फांद कर इन्होंने घर में घुसकर महिला और पुरुष के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ में भुखमरी और साथ ही बीमारी के चलते महिला की मौत का मामला सामने आया है। वहीं महिला की मौत के बाद से बेटियों की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। बता दें कि पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलने के कारण इनकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची है और थाना अलीगढ़ बता दें कि का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बता दें कि भुजपुरा इलाके के इस्लाम नगर की ये पूरी घटना है। एक परिवार के 3 सदस्यों द्वारा जहर खाकर के आत्महत्या की सूचना पर मैं यहाँ थाना कोतवाली नगर भुजपुरा चौकी क्षेत्र में इस्लाम नगर मोहल्ले में पहुंचा हूँ और यहाँ पर आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि इसमें जो परिवार की बुजुर्ग महिला थी वो काफी दिनों से बीमार थी और उनकी तबीयत नहीं सही थी और संभवतः इसी वजह से ये लोग आपस में परेशान होकर के इन्होंने जहर खा करके आत्महत्या कर ली है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए, और विश्रा को FSL भेजा जाएगा। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें शीघ्र की जाएगी। महमूद अब्बासी, क्या घटना हुई है? घटना क्या हुई है कि माँ की जो तबीयत खराब थी और इनकी जो 7 बहनें थी, एक बहन की जो है पहले 3-4 साल पहले मृत्यु हो गई, आज जो है ये 2 बेटी और एक माँ, माँ की जो नगीना नाम है जिसका मेडिकल इलाज चल रहा था,
इसके गरीबी के कारण जो है इसलिए जो है इसका इलाज सही नहीं हो पाया, वो ख़त्म हो गई। ये दो बेटियों ने जब कोई दिखा नहीं बिना सहारा तो उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया ये भी नहीं पता। उत्तर प्रदेश पुलिस मासूम बालिकाओं और साथ ही महिलाओं पर होने वाले यौन अत्याचारों के मामलों में भले ही सख्ती का दावा करती हो लेकिन ऐसा एक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हरदोई जिले में सामने आई है। जहां बता दें आपको कि पुलिस शाम को लापता एक 6 वर्षीय बालिका अपने घर के सामने अर्धनंग अवस्था में लहूलहान हालत में पड़ी हुई मिली है। बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद से घर के सामने उसे फेंक दिया गया है। परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए जहां पर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में गाँव के एक युवक को हिरासत में लिया है। पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दिया गया और साथ ही उसे घर के सामने फेंक दिया गया है। पुलिस अब लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये थाना पसदेवरा में ग्राम अनंगपुर है। इसमें शाम से एक लड़की घर से गायब हो गई थी जो कि देर रात में इनके घर के सामने ही मिली और अस्पताल आने में मृत घोषित किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ कोई अमानवीय हरकत की गई है और जिससे कि उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। जो भी तहरीर मिलेगी और पोस्टमार्टम से जो भी तथ्य निकल के आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।